स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी फ्रॉम होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज मैं आपको आपके सामने लेकर आई हूँ वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित वीडियो पार्ट टू। ये आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में चौथे यूनिट में ये चैप्टर है वायुमंडलीय आर्द्रता, जिससे संबंधित दो वीडियो मैंने बनाए हैं और आज उसका ये पार्ट टू है। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या है, उसके विभिन्न रूप और इसके अलावा वाष्पन, संघनन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट वन में। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कोहरा और मेघ, इन दोनों के प्रकारों के बारे में अपने दूसरे वीडियो में समझाऊंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। सबसे पहले कोहरा। कोहरा क्या होता है आपको बताया था, लेकिन एक बार और बताती हूँ। जब पृथ्वी दिन भर ताप ग्रहण करने के बाद रात को जब वो विकृत करती है ताप को, उत्सर्जित करती है तापमान को, विकिरण का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि जब कोई वस्तु एक निश्चित एक हद तक तापक्रम प्राप्त कर लेती है और उसके बाद फिर क्या करती है, वो उस तापमान को, उस तापक्रम को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी भी विकिरण करती है और जब वो विकिरण करती है तो ताप का उत्सर्जन होकर ताप वायुमंडल में पहुँचता है और वहाँ पर ताप की मात्रा बढ़ जाने के कारण जल वाष्प की मात्रा भी बढ़ जाती है और जब जल वाष्प की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हवा संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने का अर्थ होता है हवा के कि वो अपने अधिकतम नमी प्राप्त करने की अवस्था में पहुंच चुकती है और उसके बाद घनीभवन और संघनन और परिणाम स्वरूप जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तित होना। और जब वही जल वाष्प जब तापमान गिर जाने के कारण जल की बूंदों में परिवर्तित होता है तो फिर वो धूल की कणों के साथ लटक करके वायुमंडल में हमको कोहरे के रूप में दिखाई देता है। इसका पहला प्रकार है विकिरण कोहरा। विकिरण का अर्थ मैंने आपको अभी समझाया। तो वह कोहरा जिसका निर्माण विकिरण के परिणाम स्वरूप होता है, जो पृथ्वी ताप को विकृत करती है उसके परिणाम स्वरूप जो होता है कोहरे का निर्माण, वह है विकिरण कोहरा। और उसके अलावा अभिवहन कोहरा, जब उष्ण और आर्द्र जो हवा है वो ठंडी सतह से स्थल के टकराती है जाकर के, तो क्या होता है, उष्ण आर्द्र हवा जल वाष्प से भरी होती है और जब वो ठंडी सतह से टकराती है तो उसका तापमान कम होने लगता है और संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जल वाष्प फिर पानी की बूंदों में परिवर्तित होता है। और जब इकट्ठा होता है वो जो जल की छोटी छोटी बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं और वायुमंडल में लटक जाती हैं तो वो हमें कोहरे के रूप में दिखाई देती हैं। इसके अलावा वाष्पन कोहरा, पानी जब उष्ण और आर्द्र जो पानी होता है, जब उष्ण जब रहता है जल और उसके संपर्क में जब ठंडी हवा आती है, तो जब ठंडी हवा उष्ण जल के संपर्क में आती है तो उष्ण जो जल है उसके कारण गर्मी की वजह से वहां पर जलवाष्प बनने की प्रक्रिया ताप प्राप्ति के बाद चलती रहती है और जब ठंडी हवा उसके संपर्क में आती है तो जलवाष्प जो है ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण पानी की बूंदों में, जल के बूंदों में परिवर्तित होने लगता है और वहां पर भी कोहरे की स्थिति निर्मित होती है। क्योंकि जल का अधिक वाष्पीकृत होना यहाँ पर कोहरे निर्माण का कारण है, इसलिए हम इसको वाष्पन कोहरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ मेघ के बारे में। मेघ हमने पढ़ा था, ताप विकृत करती है पृथ्वी, जब ऊपर जाता है वो ताप तो फिर जलवाष्प जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगता है जलवाष्प, और जब बहुत तेजी से प्रक्रिया होने लगती है तो जल की बूंदों का समूह या पुंज बनने लगता है। जल कण जो है उनके पुंज को ही क्या कहा जाता है, उनके समूह को ही मेघ। मेघ मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, पक्षाव, स्तरी, कपासी, वर्षी। पक्षाव जो होते हैं मेघ, ये काफी ऊंचाई पर होते हैं और इनका जो रंग होता है वो सफेद होता है, चमकीला सा, ये चमकीले ऊन की तरह दिखाई देते हैं और इसके चमकीले ऊन की तरह दिखाई देने के कारण शाम के समय ये वातावरण को काफ़ी सुहाना बना देते हैं और चूंकि ये काफ़ी दूर हैं धरातल से इसलिए ये वर्षा नहीं कर पाते हैं। दूसरा है स्त्री, नाम ही स्त्री है, एक छोर से दूसरे छोर तक समानांतर भूरे और गहरे भूरे रंग के ये मेघ हमें दिखाई देते हैं, कभी कभी थोड़े ब्लैकिश से भी दिखाई देते हैं, काले से, और इनके बीच बीच में नीला नीला आकाश दिखाई देता है। उसके बाद है कपासी, नाम ही कपासी मेघ है, तो कपास के ढेर जैसे ये दिखाई देते हैं
और किसके समान दिखाई देते हैं, गोभी के ऊपर जो गुंबद जैसा दिखता है उसके जैसे ये दिखाई देते हैं। और चूंकि इनकी ऊंचाई जो होती है वो धरातल से 1.5 से लेकर 6-7 किलोमीटर तक, स्त्री जो मेघ होते हैं वो 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और कपासी 1.5 से 6-7 किलोमीटर तक। तो जो 6-7 किलोमीटर वाला ऊपर वाला एरिया है वहाँ इनमें छोटे छोटे हिम के कण पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका रंग भी कपास की तरह दिखाई देता है। उसके बाद है वर्षी। वर्षी मेघ जो होते हैं ये कैसे होते हैं, वर्षी मेघ काले रंग के होते हैं और इतना सघन आवरण होता है इनका कि इसमें जो प्रवेश है सूर्य की किरणें वो सही ढंग से नहीं कर पाती हैं और पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती हैं। ये काफ़ी बारिश करते हैं और बहुत बारिश करते हैं ये, और एकदम ये धरातल के समीप दिखाई देते हैं। और कपासी और वर्षी जब बादल मिल जाते हैं तो कपासी वर्षी बादल जो है वो भी काफ़ी बारिश करते हैं। तो चार प्रकार मैंने मुख्य आपको बताया, इसके अलावा पक्षाभ और स्त्री अगर मिलते हैं तो वो पक्षाभ स्त्री मेघ का निर्माण करते हैं, कपासी और वर्षी मेघ मिलते हैं तो वो कपासी वर्षी मेघ का निर्माण करते हैं। अब बारी है वर्षा की। वर्षा वर्षण का एक प्रकार है। वर्षण के अंतर्गत ओस, पाला, कोहरा, ओला, इसके अलावा और भी बहुत से ठोस और द्रव पदार्थ हैं जो वर्षण के अंतर्गत आते हैं। वर्षा भी वर्षण का एक अंग है। वर्षा भी संघनन का परिणाम है। जब जलवाष्प संघनित होकर के जल बूंदों में ऊपर जाकर के परिवर्तित होता है तो वही जल की बूंदें वर्षा के रूप में धरातल पर वापस आती हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है पर्वतीय वर्षा। जब समुद्र की ओर से हवाएं चलती हैं और पर्वत से टकराती हैं तो पर्वत से टकराने के कारण वो ऊपर उठ जाती हैं, और जब वो ऊपर उठती हैं तो उनमें जो वाष्प है वह सब संघनित होने लगता है ठंडा होकर के, और पानी की बूंदों के रूप में भारी बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम जैसे जैसे हवाएं पर्वत को पार करके दूसरी ओर जाती हैं वैसे वैसे उनमें आर्द्रता की कमी होती जाती है, क्योंकि बारिश कर चुकने के कारण धीरे धीरे भाप की मात्रा, वाष्प की मात्रा उसमें कम होती चली जाती है, और जलवाष्प की मात्रा और आर्द्रता कम होने के कारण धीरे धीरे वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। और फिर एकदम नीचे उतरते 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 कई बार पर्वत के दूसरी ओर वृष्टि छाया प्रदेश भी हमें मिलते हैं, जिन्हें हम रैन शेडो एरिया भी कहते हैं। और ये वृष्टि छाया प्रदेश इसलिए मिलते हैं कि आर्द्रता की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वर्षा वहाँ पर न के बराबर होती है या तो होती ही नहीं है। और इसके पीछे ये रीज़न तो है ही कि आर्द्रता की मात्रा कम हो रही है, एक ये रीज़न भी है कि जब हवा एक तरफ से दूसरे तरफ पर्वत में जाती है तो नीचे उतरने के कारण वो ठंडी होने गर्म होने लगती है। फिर से जब ठंडी होती है ऊपर जाकर के तो संघनन होता है, लेकिन जब नीचे आती है तो फिर वो गर्म होने लगती है और उसमें संघनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। उसके बाद चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात का अर्थ होता है बीच में न्यून वायुदाब और अगल बगल अधिक वायुदाब, और हम जानते हैं कि वायुदाब और तापमान में विलोम रिश्ता है, एंटी रिलेशनशिप है। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। यहाँ पर न्यून वायुदाब, न्यून वायुदाब के और हवा हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ बहती है, तो इस न्यून वायुदाब की कमी को पूरा करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं, और जो ये बीच में न्यून वायुदाब है इस हवा का तापक्रम अधिक है, और ये अधिक तापमान वाली हवा, गर्म हवा, शीतल हवाएं जो अगल बगल है उनसे संपर्क में आने लगती है, और संपर्क में आते आते ऊपर उठने लगती है, और जब ऊपर उठती है तो जाकर के धीरे धीरे ऊपर उठती है वो और ठंडी होती है, और ठंडे होने के कारण फिर उसमें व्याप्त जलवाष्प की मात्रा जल बूंदों में परिवर्तित होती है संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, और चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवात से चूंकि इसका जन्म होता है इसलिए इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कैसे होती है, जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, और अगल बगल की ठंडी हवा उस जगह को पूरा करने के लिए जहाँ से गर्म हवा ऊपर उठी है अगल बगल से दौड़ कर आती है, उसको पूरा करती है और पुश करती है उस गर्म हवा को और ऊपर, और जब हवा और ऊपर जाती है तो उसमें जो वाष्प की मात्रा मौजूद है वो बदल जाती है जल के कणों में और वर्षा के रूप में वो नीचे गिरने लगती है। तो जो अक्टूबर के महीने में गंगा के मैदान में जो बारिश होती है वो संवहनीय वर्षा का ही उदाहरण है। और पर्वतीय वर्षा का उदाहरण मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में सबसे अच्छा इसका उदाहरण है चेरापूंजी और मौसिन राम जैसे स्थान, जो कि मौसिन राम तो विश्व का अभी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। वो इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं
क्योंकि मेघालय जो है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी, यहाँ डॉट लगा हुआ है ब्लू आप देख रहे होंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि खासी, जयंतिया, गारो जैसी पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, जो जलवाष्प प्रवेश तो कर जाता है वहाँ पर, हवाएं जल से भरी, जल और आर्द्रता से भरी हुई जो हवाएं हैं वहाँ प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती है, तो उनमें मौजूद जलवाष्प की मात्रा वहीं पर संघनित होकर के भारी बारिश कर देती है। अब हम चलेंगे धरातल पर वर्षा का वितरण देखने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे वर्षा की प्रमुख 6 पेटियाँ हैं। पहली है भूमध्य रेखीय पेटी, जिसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण है, और इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसमें औसत है वर्षा का 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। इसका क्षेत्र जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी एटलस के थ्रू। दक्षिण अमेजन, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, ये आप देखिए जहाँ ब्लू डॉट लगा हुआ है अमेजन, उसके बाद अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन, फिर न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिख रहा है, फिर आपका फिलीपीन, ये है फिलीपीन ब्लू डॉट, उसके बाद मेडागास्कर यहाँ आप देखेंगे, उसके बाद व्यापारिक पवनों की पेटी। व्यापारिक पवनें जो हैं वो जब सागर सतह के ऊपर से गुजरती है तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है, गर्मी में भी इसके कारण वर्षा होती है, और इसका क्षेत्र है मैक्सिको की खाड़ी, ये है नॉर्थ अमेरिका के पास, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको की खाड़ी, फिर ब्राज़ील, उसके अलावा मेडागास्कर, ये चीन सागर, ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और व्यापारिक पवनों की पेटी का विस्तार है 15 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण, और हम जानते हैं 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो क्षैतिज, वो भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसके बाद है आपका अगली पेटी जो है इसकी उपोष्ण कटिबंध अर्ध शुष्क पेटी। उपोष्ण कटिबंध अर्ध शुष्क जो पेटी है इसमें वर्षा कम होती है क्योंकि हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, और इस पेटी का विस्तार है 20 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, बहुत अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय वर्षा, माफ कीजिएगा भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी जो है वो नहीं, शीतोष्ण प्रदेशों का जो क्षेत्र है वो अधिकतम वर्षा पेटी वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी जो है उसमें उसका विस्तार 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, और 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। उसके बाद शीतोष्ण प्रदेशों की जो अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है, उसका विस्तार है 40 से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश, ये भारी वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद ध्रुवीय वर्षा पेटी, यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ध्रुव के आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, और हिमपात के रूप में वर्षा होती है क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है। तो ये आज हमने जो पहले पार्ट में जो चीज़ें बच गई थी इस पूरे चैप्टर से संबंधित, उनको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।